मेरा नाम विनय कुमार चौरसिया है, गोरखपुर के पास कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मेरा जो घर है ये तहसील खड्डा और शहर भी खड्डा। हम इस सिस्टम को लगवाने के लिए हम सबसे पहले गए थे बस्ती देखने के लिए, भैया ने बताया था। वहाँ पर 48 पैनल लगे हुए थे और 15 एचपी का मोटर था और जिस दिन मैं गया था इत्तेफाक से उस दिन मौसम बहुत गंदा था और मैंने जब वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा तो उससे मुझे लगा कि जब इस मौसम में इतना अच्छा काम कर रहा है तो अगर मौसम थोड़ा सही रहता तो इसका परफॉर्मेंस और अच्छा रहता है। तो उसके बाद यहाँ जब चक्की पूरी तरीके से सेट हो जाएगी तो भैया एक छोटा सा वीडियो हमें बना के उसका परफॉर्मेंस का हमें भेजेंगे। दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हमने एक नया सेटअप इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पे जो सोलर मॉड्यूल दे रखा है वो 540 वाट का हाफ कट मोनो पर्क सोलर मॉड्यूल है जो हाई एफिशिएंसी लेवल है और इस पैनल की जो वारंटी है वो 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। तो फ्रेंड्स क्या है कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे पास जो भी सोलर मॉड्यूल है वो ए ग्रेड का हाई एफिशिएंसी लेवल सोलर मॉड्यूल होता है हमारे पास और वर्ल्ड क्लास सोलर मॉड्यूल है। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि यहाँ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं तो ये हैं विनय भाई जिन्होंने हमारा ये सेटअप यहाँ इंस्टॉल कराया है और मैं अपने यहाँ यूपी मुरादाबाद से आज मैं यहाँ यूपी और बिहार का बॉर्डर है कुशीनगर। तो अभी क्या ना कि यहाँ का पूरा एड्रेस भैया बताएंगे और अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और ये जो सेटअप इन्होंने लगवाया है किस बेस को देख के लगवाया है और मेरे और इनके यहाँ से दूरी काफ़ी दूर है तो इस बेस को लेके भैया से बात करेंगे और ये अपना एक्सपीरियंस क्योंकि अभी ये हमारे सेटअप पे भी गए थे देखने के लिए तो वहाँ जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका और क्या सोच के इन्होंने ये सिस्टम लगाया है। तो अभी क्या ना कि भैया से बात करेंगे और इनका जो भी एक्सपीरियंस है आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भैया जी आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार चौरसिया है, गोरखपुर के पास कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मेरा जो घर है ये तहसील खड्डा और शहर भी खड्डा। हम इस सिस्टम को लगवाने के लिए हम सबसे पहले गए थे बस्ती देखने के लिए, भैया ने बताया था। वहाँ पर 48 पैनल लगे हुए थे और 15 एचपी का मोटर था और जिस दिन मैं गया था इत्तेफाक से उस दिन मौसम बहुत गंदा था और मैंने जब वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा तो उससे मुझे लगा कि जब इस मौसम में इतना अच्छा काम कर रहा है तो अगर मौसम थोड़ा सही रहता तो इसका परफॉर्मेंस और अच्छा रहता है। तो उसको देखते हुए फिर मैं इस सिस्टम को लगवाया हूँ और भैया का वीडियो मैं बहुत पहले से देखते आया हूँ, लगभग 2018 से ही मैं भैया का वीडियो देख रहा हूँ और तब से मैं ये सोच रहा था कि मैं सेटअप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगवाऊँगा इनसे। पहले हमारे यहाँ क्या है कि खेती वगैरह ज़्यादा होता है तो इधर के लोग सबसे ज़्यादा सोलर पंप सेट वगैरह पर ध्यान इस समय दे रहे हैं तो हमने सोचा था कि हम भी सोलर का वो पंप सेट लगवाएँगे पानी के लिए, सोलर का से पानी चलाने के लिए। लेकिन इस समय हम आटा चक्की के लिए यहाँ पे भैया से प्लांट लगवाए हैं और सोलर जो है काफ़ी अच्छा करंट भी बना रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बाकी जगह हमने देखा था। लेकिन हम इनके बारे में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि काम कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनवाना हो तो एक्सपर्ट से बनवाइए क्योंकि लोकल की जो मिस्त्री हैं अगर ये बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी बेसी रह जाता है और फिर उसको सुधारने में वक्त ज़्यादा बर्बाद होता है, खर्चा भी लग जाता है। तो इसलिए कोई भी काम करवाइए तो पहले उसका एक्सपर्ट ढूंढिए जो उस काम को हमेशा से कर रहा हो। अभी मुझे चक्की लगवाना है, चक्की में मोटर अटैच करवाना है तो अब इस दिक्कत मैं झेल चुका हूँ कि मैंने दूसरे से करवाया और स्ट्रक्चर उतनी मजबूत भी नहीं बनी और मेरा समय भी बर्बाद हुआ, खर्चा भी ज़्यादा लगा। तो उस मोटर को और चक्की को एडजस्ट करवाने के लिए मैं गोरखपुर से मिस्त्री बुलवा रहा हूँ उसका जो स्पेशल वही काम करता है ताकि भले ही मेरा पैसा थोड़ा बढ़ जाए लेकिन जो काम हो वो मेरा बढ़िया हो। तो फ्रेंड्स फाइनली आपने भैया के विचार सुनी लिए हैं क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो एमएस का है और इन्होंने अपने यहाँ नियर वाइज एक मिस्त्री से लगवाया था तो उसने थोड़ा सा काफ़ी बताने के बावजूद भी थोड़ा सा गलतियाँ कर दी हैं, फिर भी मैंने यहाँ बता दिया है कि थोड़ा मजबूती और हो जाएगी कि किस तरीके से काम को करना है। तो फ्रेंड्स अभी क्या ना कि हमने यहाँ पे जो मोटर है वो इस टाइम 7.5 HP की है और यहाँ जो सोलर मॉड्यूल है केवल 16 सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो अभी क्या है कि काफ़ी लोग हमारा इस वीडियो को, एक वीडियो और है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैंने एक सेटअप और लगा रखा है वो भी 16 मॉड्यूल का है और वो 445 वाट का हाफ कट मोनोपर्क वाई फेसियल सोलर मॉड्यूल है जिससे वो सिस्टम हमारा बढ़िया चल रहा है और उसका मैंने एक सेकंड वीडियो भी अपलोड किया था उनके एक्सपीरियंस का, समथिंग एक महीना प्लस उसका एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर कराया है। तो यहाँ क्या है कि अभी 18 इंची चक्की आनी बाकी है क्योंकि ऐसा है कि यहाँ 16 इंची चक्की दे दी थी, अब
आप सभी लोगों को इस चीज़ का पता है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधलेबाजी है ज़रूर, क्योंकि आप 16 इंची चक्की देके भैया को संतुष्ट कर रहे थे कि यार 16 इंची चक्की ही लगा लो, बट क्या है कि यहाँ 18 इंची चक्की आने वाली है और जो मोटर है वो 7.5 HP की मोटर नीचे आके कनेक्शन करके मैंने पूरा रन करके देख ली है और उस मोटर का जो लोड है वो 3.5 एम्पियर लेके चल रही है खाली में, और उस पर हमने एक वैसी टेम्परेरी लोड डाल के भी देखा है। तो बहरहाल फिलहाल क्या है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में है। तो फ्रेंड्स जिस दिन ये चक्की इंस्टॉल हो जाएगी तो उस दिन भैया यहाँ का परफॉर्मेंस का एक वीडियो बना के मेरे को देंगे, तब वो मैं यूट्यूब पे फिर दोबारा से अपलोड करूँगा। तो अभी क्या है कि फिलहाल जो जिस कंडीशन में है रखी हुई तो उस कंडीशन में चल के आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमने दी है 20 HP की ड्राइव, क्योंकि यहाँ अभी 16 सोलर मॉड्यूल लगे हैं तो यहाँ अभी और बढ़ेंगे कुछ समय के बाद। ये तो एकदम ट्रायल के लिए लगाया गया है कि हाँ सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए एक बात और मैं बता दूँ आपसे कि जैसे कि भैया ने अभी बताया कि एक्सपर्ट से ही लगवाना, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना कि आप एक्सपर्ट का ढूंढो उस चीज़ को। और मेरा सभी लोगों से कहना ये है, एक हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ मैं कि अगर आपको सोलर सिस्टम लगाना है तो भी आप किसी न किसी विजिट करो, किसी न किसी सिस्टम पे जाके, और किसी एक व्यक्ति के सिस्टम पे जाके विजिट मत करो, अदर अलग अलग व्यक्ति के जाके सिस्टम पे विजिट करो। और विजिट करने के बाद जहाँ से आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, हालांकि जिसका सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा उसका थोड़ा कॉस्टिंग तो आप रहेगी रहेगी, बट फिर भी आप चीज़ वही लगाओ, वरना भविष्य में दिक्कत आने वाली बात तो हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स अभी क्या फाइनली चलते हैं नीचे, नीचे चलने के बाद आपको दिखाते हैं मोटर और अपनी ड्राइव। तो फ्रेंड्स जैसे कि भैया ने बताया था कि एक्सपर्ट से ही लगवाना चाहिए, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर लगा रखा है बहुत अलग तरीके से लगा रखा है, क्योंकि यहाँ बंदे ने कट मार दिया है और उसके बाद ये वाली एक एक्स्ट्रा दो, यानी कुल मिला के पैसा बनाने की विधि है, थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ ये कट है, वेल्डिंग सही से नहीं हो पा रहा, उसके बाद यहाँ कट, यानी कुल मिला के जहाँ जोड़ाया वहाँ कट मार ही दिया। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको एक्सपर्ट से ही काम कराना है। और बाकी का क्या है कि हमारा यहाँ जो थोड़ा गैप हो गया था, यहाँ जो थोड़ा गैप हो गया, तो यहाँ क्या है कि टाइको कनेक्टर के साथ है, ये IP68 जंक्शन बॉक्स है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ टाइको कनेक्टर है, तो यहाँ थोड़ा सा दूर हो रखा था, तो इस बेस पर मुझे ये कनेक्टर बनाने पड़े। तो यहाँ खाम खा के लगभग 6 पेयर लग गए हैं, ये विदाउट, ये अननेसेसरी खर्चा है। तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि साहब अननेसेसरी कोई खर्चा ना हो, ये बिन बात का कोई खर्चा है। अब उसके बाद यहाँ जो हमने ये वायर यूज़ की है, ये वायर है फायर रिटार्डेंट है, डबल कंड्यूट है, 1500 वोल्ट कैपेसिटी की, UP ट्रेडेड है, और ये जो है 6 square mm है। अगर इसकी लेंथ अगर हम ज़्यादा भी डाल देते हैं, मान के चलो कि 50 से 60 70 मीटर भी अगर डालते हैं, तो वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो एक कसला घाट में सिस्टम लगा हुआ है लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी है उसकी, तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में है। और ये सिस्टम भी हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस जो सोलर मॉड्यूल का मैं आपको बता दूँ, केवल आपका स्टिकर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा किसी कीमत भी, तो मैं बहरहाल इसका जो है आपको मैक्सिमम पावर वोल्ट बता देता हूँ कि 540 वोल्ट है, और उसके बाद में ये, हाँ और एक बात बताऊँ, इसका पावर टॉलरेंट जो होता है हमारा, जितने भी हमारे सोलर मॉड्यूल हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी में है, वो पावर टॉलरेंट हमेशा प्लस में ही मिलेगा आपको, या तो प्लस में 3% होगा या प्लस में आपको 5% होगा। तो अब अगर आप इसका 540 वाट का अगर 3% एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा वाटेज जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको इसका BMP दिखा बता देता हूँ, BMP है 41 वोल्ट इसका BMP है, और इसका एम्पियर जो है IMP इसका है 13.17, और उसके बाद में इसका BOC है 49.53 वोल्ट, और उसके बाद में इसका ISC यानी कि आपका 13.85 एम्पियर है। अभी यहाँ क्या है कि जब हमने 16 सोलर मॉड्यूल दिए हैं तो इसका जो करंट पहुँचने वाला, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं, कम से कम 14.25 एम्पियर इसका जाएगा करंट। अब 14.25 एम्पियर आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई लोड हो जाएगा, क्योंकि 7.5 HP की मोटर की जो कैपेसिटी होती है वो केवल 11 एम्पियर की होती है, और 11 एम्पियर से यहाँ 13 या 13.5 14 एम्पियर तक मिलेंगे आराम से। अब उसके बाद ये पैनल जो है हमारा सबसे मेन चीज़ है कि BIS सर्टिफाइड पैनल है, और TUV सर्टिफिकेशन है, और काफ़ी सारे इसमें सर्टिफिकेशन है, CE सर्टिफिकेशन है, तो सर्टिफिकेशन से तो हमारा भरा हुआ होता है सोलर मॉड्यूल, तो इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। और इसका तो अभी क्या है, चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं मोटर और ड्राइव। तो फ्रेंड्स फाइनली क्या है कि ये जो वायर है हमारी जो छत पे से आ रखी है, तो अभी क्या है टेम्परेली हमारी जो ड्राइव रखी हुई है वो इधर रखी हुई है,
क्योंकि ये जो है इधर लगेगी साइड में अंदर, और उसके बाद यहाँ अंदर ही चक्की जाने वाली है, क्योंकि ये जो चक्की का फाउंडेशन है ये इन्होंने 16 इंची का भेज दिया था। तो मोटर रखी हुई है ये 7.5 HP की, और ये जो हमारा है PC का ड्राइव, उसके बाद डबल डोर कैबिनेट डबल डिस्प्ले के साथ होता है। यहाँ पर टेक्निकल स्टीकर है ये ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि हायर वोल्टेज चलते हैं बहुत ज़्यादा, तो विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि DC साइड करंट जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसके लिए आपको किसी भी पेंच वेंच वगैरह पे कुछ भी उंगली नहीं करनी है फालतू की। अब क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन कर रखे, तो ये MCB जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये हमारा ड्राइव ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तो दिखाएगा फ्रिक्वेंसी जो हर्टेज में जाती है, और उसके बाद यहाँ दिखाएगा इसका पूरा डिटेल जिसके कितने एम्पियर कितने वोल्ट कितने वाटेज आ रहा है, पूरा किलोवाट में भी जनरेशन करके देता है, और फिर उसके बाद इसमें सेव रहता है कि कितने किलोवाट अब तक जनरेशन हो चुकी है या कितने घंटे हमारा सिस्टम चल चुका है। तो अभी हमारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चला है क्योंकि मोटर रखी साइड में, हमने केवल चेक किया। तो अभी क्या है कि यहाँ से ये है ऑन ऑफ स्विच, और उसके बाद यहाँ से सिर्फ इतना ऑन करना है तो यहाँ पर मोड आ जाएगा। यहाँ मोड आने के बाद ये सारा चीज़ 738 वोल्टेज ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ मोटर को AC वाला करंट जाने लगा है, किलोवाट में जनरेशन और एम्पियर में जनरेशन आने लगी है। और जैसे जैसे करके इसमें क्या है कि ये मोटर को बहुत धीरे धीरे करके स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद में पूरा फुल लोड पे ले जाकर चलाता है। और ये 0 की फ्रिक्वेंसी वाली ड्राइव है हमारी, कि अगर चक्की के ऊपर पूरी फुल दाब लगा के भी अगर हम चलाएं तो बराबर 0 से उठा के लेकर आएगी। और अभी क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 3.5 एम्पियर लेके चल रही है मोटर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऊपर से जो जनरेशन आ रही है वो 737 वोल्टेज आ रही है, और 3.1 एम्पियर ऊपर से जनरेशन आ रही है। तो अभी क्या कि जैसे जैसे इस पर मोटर पे हम लोड बढ़ाएंगे वैसा वैसा इसका एम्पियर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल क्या है कि आज के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको केवल ये मोटर हमारी इधर रखी हुई है केवल ऐसी टेम्परेली दिखा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ जब चक्की पूरी तरीके से सेट हो जाएगी तो भैया एक छोटा सा वीडियो हमें बना के उसका परफॉर्मेंस का हमें भेजेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।